मैनेजमेंट इज ऑलवेज इंक्लाइंड टूवर्ड्स गेटिंग थिंग्स डन मतलब मैनेजमेंट को कोई काम कराना है कोई काम है कोई गोल है कोई ऑब्जेक्टिव है जो मैनेजमेंट को अचीव करना है सो so, मैनेजमेंट क्या हो गया एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस हो गया सेकंड परवेजिव परवेजिव का मतलब होता है ओमनी प्रेजेंट समथिंग दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर भले ही वो एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर एक रिलायंस इंडस्ट्री जितनी बड़ी कंपनी हो वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो लोअर लेवल मैनेजमेंट हो या मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो मैनेजमेंट हर जगह पे होता है मैनेजमेंट इज परवेव क्या आपको ऐसा लगता है टॉप लेवल मैनेजमेंट को कोई काम नहीं होता है अफकोर्स होता है प्लान्स बनाना पॉलिसीज बनवाना मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या इसमें कोई काम नहीं होता ऑफकोर्स होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो ऑर्डर्स हैं वो लोअर लेवल पे कन्वे करना लोअर लेवल के पास में कोई काम नहीं होता ऑफ कोर्स होता है वो काम करना वो प्लान वो ऑब्जेक्टिव वो पॉलिसी फॉलो करना लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम हो गया तो मैनेजमेंट इज परवेसिव दैट मीन्स इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल मल्टी डायमेंशनल मतलब क्या होता है अब आप बोलोगे सर टू है कि थ्री है कि फोर है ठीक है मल्टी डायमेंशनल मतलब इट इज प्रेजेंट इन मोर देन वन डायमेंशन दैट मीन्स मैनेजमेंट का काम जो है वो एक से ज़्यादा है मैनेजमेंट ऑफ वर्क भी होता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल होता है एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन होता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क मैनेजमेंट क्यों हो रहा है जस्ट टू डू द वर्क गेट थिंग्स डन बाई अदर्स सो मैनेजमेंट ऑफ वर्क का क्या मतलब हो गया काम कराना हम कैसे काम कराएंगे हम प्लान करेंगे प्रॉपर्ली कि हमें क्या काम कराना है हम ऑर्गेनाइज करेंगे वो सारे रिसोर्सेज जो हमें काम करने में मदद करेंगे और हम कंट्रोल control करेंगे कंट्रोलिंग का क्या मतलब होता है बेसिकली टू कंपेयर योर एक्चुअल आउटपुट विद योर प्लान आउटपुट लेट्स से आपका एक्चुअल आउटपुट था 1000 थाउजेंड यूनिट्स एंड योर प्लान आउटपुट वॉज ट्वेल्व हंड्रेड यूनिट्स तो आपका कंट्रोलिंग में आपने ये देखा दैट योर एक्चुअल आउटपुट डिड नॉट मैच योर प्लान आउटपुट सो दैट इज अगेन मैनेजमेंट ऑफ वर्क नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल काम कराने के लिए कोई तो चाहिए मैनेजमेंट की डेफिनेशन में ही हमने पढ़ा गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स तो ये अदर्स कौन होते हैं द मैनेजमेंट ऑफ़ पीपल द एम्प्लॉइज ऑफ योर कंपनी कैसे करेंगे स्टाफ करेंगे उनको स्टाफ करने का क्या मतलब होता है जॉब के लिए लेके आना इन्वाइटिंग डेम टू डू द जॉब इन आर ऑर्गेनाइजेशन एंड वॉट इज डायरेक्टिंग बेसिकली टू डायरेक्ट देम उनको बताना कि कोई काम कैसे करना है हाउ टू सुपरवाइज देम मोटिवेट देम लीड देम कम्युनिकेट विद देम दैट इज ऑल मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड फाइनली वी हैव मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन ऑपरेशन का मतलब होता है बेसिकली एक प्रोडक्शन साइकिल कितना टाइम लगता है रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने में सो दैट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन दैट विल इंक्लूड योर प्रोडक्शन गुड्स प्रोड्यूस करना सेल्स करना क्योंकि जब तक आप सेल्स नहीं करोगे वो गुड्स के लिए जो मनी है वो आपको वापस नहीं मिलेगा एंड इफ़ यू डू नॉट गेट द मनी यू विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस अगेन एंड फाइनली परचेजेस आपका सेल्स हो गया आपका पैसा आ गया उसके बाद में आप वापस रॉ मटेरियल परचेज करोगे सो दैट मीन्स मैनेजमेंट इज डायमेंशनल फोर्थ मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस आप मेरे को एक बात बताओ मैनेजमेंट की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा कि मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वर्ड प्लानिंग डू यू एवर स्टॉप प्लानिंग इन योर लाइफ आई डोंट थिंक आई डू मैं हमेशा लाइफ टाइम कुछ ना कुछ प्लान बनाता रहता हूँ राइट वी ऑलवेज प्लान फॉर समथिंग लेट्स से बोर्ड एग्जाम्स के बाद में गोवा का प्लान करना है ठीक है पापा को कार के लिए मनाना है तो पापा को कैसे मनाएंगे वो प्लान करना है सो so इफ प्लानिंग इज अ continuous प्रोसेस इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस डू यू थिंक मैनेजमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस Yes. मैनेजमेंट इज also अ नेवर एंडिंग प्रोसेस Why? बिकॉज हमारे काम लाइफ में कभी खत्म नहीं होते हैं टॉक अबाउट अ ऑर्गेनाइजेशन क्या काम कभी भी खत्म हो सकता है नहीं हो सकता तो काम जब तक है तब तक मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस इट्स इटर्नल नेक्स्ट इज इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी मैनेजमेंट मीन्स गेटिंग थिंग्स डन बाई अदर्स तो अदर्स और मैनेजर मिलकर ग्रुप बनते हैं मैनेजमेंट इज नेवर अ सोल पर्सन प्रोसेस वो कभी भी एक बंदे का काम नहीं होता है इट्स ऑलवेज अ ग्रुप एक्टिविटी लेट्स से आप क्रिकेट खेल रहे हो एंड देवी टारगेट ह्यूज टारगेट इन फ्रंट ऑफ यू यू प्लान आप टीम प्लान बनाते हो आप कभी खुद नहीं बनाते हो मैं फर्स्ट बॉल पर जाके सिक्स मारूंगा नॉन स्ट्राइकर को स्ट्राइक पर ही नहीं आने दूंगा दैट नॉट हाउ यू प्लान ठीक है यू ऑलवेज प्लान इन ग्रुप सो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी नेक्स्ट इज डायनामिक फंक्शन ओके मैनेजमेंट डिपेंड करता है ऑन द बिजनेस एनवायरमेंट ऑन द पीपल एंड ऑल दीज थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग एनवायरमेंट कभी फिक्स नहीं रहता है एनवायरमेंट चेंज होता रहता है ओके अगर नई टॉक अबाउट एनवायरमेंट इट डज नॉट मीन द एटमोस्फियर इट मीन्स द बिजनेस एनवायरमेंट सप्लायर्स प्रोड्यूसर्स कस्टमर्स गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑल दीज थिंग्स दिसज आर योर बिजनेस एन्वायरमेंट सो एन्वायरमेंट नैवर चेंजेस सॉरी एनवायरमेंट नवर स्टेज फिक्स एनवायरमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग सो सिमिलरली योर मैनेजमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग वाई क्योंकि अगर एन्वायरमेंट चेंज हो गया आपने जो प्लान किया था वो चेंज हो गया है तो आपको वापस प्लान करना पड़ेगा सो मैनेजमेंट बिकम्स अ डायनामिक फंक्शन व्हाट इज डायनामिक डायनामिक मतलब होता है समथिंग दैट कीप्स ऑन चेंजिंग विद द एन्वायरमेंट ऐसी चीज जो बार बार एन्वायरमेंट के हिसाब से अडॉप्ट कर ले राइट सो मैनेजमेंट बिकम्स अ डायनेमिक फंक्शन एंड फाइनली इट इज इंटेंजिबल ना वॉट डू यू मीन बाई इनटैनजिबल समिंग दैट यू कैन नॉट टच समिंग दैट यू कैन नॉट सी मैनेजमेंट एक फोर्स होता है इट्स अ ग्रूप एक्टिविटी इट्स अ फोर्स आप फोर्स को कभी देख नहीं सकते कभी छू नहीं सकते बट यू कैन ऑलवेज फील इट अब फील कैसे करोगे कैसे मैनेजमेंट पास होता है क्या हमारे में से नहीं मैनेजमेंट आप हमेशा फील कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस से अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत सक्सेसफुल है तो हम हमेशा बोलते हैं इस इस ऑर्गेनाइजेशन ने मैनेजमेंट बहुत इफेक्टिवली और एफिशिएंटली किया होगा सो दीज वर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ़ मैनेजमेंट